नमस्कार, मेरा नाम है श्रुति और आप मुझे देख रहे हैं डिस्कवर नागपुर एट नेशन नेक्स्ट पर। आज मैं हूँ नागपुर के एक ऐसी हस्ती के साथ जो कि कोविड के जो दो वेव्स रहे उनके दरमियान भूखे लोगों को खाना देने के कारण मशहूर हुए, मिस्टर जमशेद सिंह कपूर जी। लेकिन उनके बारे में मैं ये आपको बता दूं कि he hasn't only been doing this langar on wheels just for 2 to 3 years. He's been doing it since he was the age of 8. And ये भी मैंने सुना है सर आपके बारे में कि जब आप 8 साल के थे तो आप होली के पैसे जो रहते थे, पॉकेट मनी जो आपकी रहती थी, दिवाली के जो पैसे रहते थे, वो बचाकर आप फटाकों पर या रंगों पर खर्च करने की जगह लोगों को खाना खिला दिया करते थे। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि इंसान के अंदर इतनी छोटी उम्र से ये भावना आना, इतनी अंडरस्टैंडिंग आना कि भूख बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये नॉर्मल नहीं है, ये हर कोई नहीं समझ सकता है। तो मुझे आप ये बताइए कि क्या आपकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी कभी ज़िंदगी में बनी जिससे आपने खुद सीखा कि खाना और भूख ये क्या होता है? देखिए, मैं जिस हालात में रहता हूँ उस हालात में तो हम लोग सफिशेंट थे, पर जैसे हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं रोज़ और गुरुद्वारे में लंगर होता है तो वहाँ हम लोग देखते थे कि बहुत सहमे हुए लोग आते थे और जो ख़त्म हो जाता था तो थोड़ा सा खा के अपना गुजारा करने के चक्कर में वो रहते थे। गुरुद्वारे का लंगर ख़त्म होने के बावजूद भी लोग आते थे और वो सब देखने के बाद में, वो इंटरेक्ट करने के बाद में मुझे ये फील होता था उस बचपने की उम्र में संस्कार जो है वो जो छवि बन जाती है पूरी ज़िंदगी भर चलती है। तो उसमें मुझे ये फील हुआ कि एक बच्चा जो अपनी माँ के साथ भूखा आया हुआ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खाना मिल रहा है उसको, उसी से उसको पूरा दिन गुजारना है। तो मैंने फिर सोचा क्यों ना मैं अपने फटाके के पैसे, जो फटाके 2 मिनट में उड़ के ख़त्म हो जाएंगे, वो पैसे से उनको कुछ खाने की चीज़ प्रोवाइड करूँ। और उसी तरीके से होली जो है जिसमें रंगों से साइड इफ़ेक्ट वगैरह होते हैं, उस आज की तारीख में मुझे पता चला। पर मुझे ऐसा लगता था कि इसको छिड़का और ख़त्म हो गया, धो के ख़त्म कर दिया, तो ये जो पैसे हैं किसी के काम में आना चाहिए। तो हमको जो होली के और फटाखों के जो पैसे मिलते थे, एक लिमिटेड पैसा, वो मैं उससे चिवड़ा बना के, कच्चा चिवड़ा बना के, उस समय तो हमको उतनी अकल नहीं थी कि ये सब करना चाहिए करके, तो मैं वो बांट देता था। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? देखिए, मैं 2013 से ये काम ऑन रिकॉर्ड पूरा संस्था बना के वो काम कर रहा हूँ लोगों के सहयोग से। उसके पहले मैं छोटे मोटे लेवल पे काम करता था। 2013 यहाँ एक गीता मंदिर है जहाँ मैं ज्योतिष का प्रवचन करता था, तो वहाँ मुझे कई लोग मिलने आते थे जो कहते थे कि हम लोग बहुत पाठ पूजा करते पर हमारी ज़िंदगी में कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो मैंने उनको बताया था कि 1512 में यहाँ से गुरु नानक देव जी होके गए थे साउथ, अपनी दक्षिण उदासी के दौरान। उदासी यानी लोक जागृति की यात्रा, उसको पंजाबी में उदासी बोलते हैं। तो उस दौरान यहाँ जो गोंड जो लोग थे उन्होंने पूछा था कि हम भी बहुत पाठ पूजा करते पर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो गुरु नानक देव जी ने उनको कहा था कि भूखे को खाना खिलाने के लिए लंगर सेवा से आपके जीवन में सुख शांति आएगी। ये बात मैं प्रवचन में बोल रहा था। तो ये बात सुनने के बाद में एक जो मेरा ज्योतिष का जो प्रेमी है उसने जाके मुझे सिगड़ी खरीद के ला के दिया। किसी ने बोला कि मैं 50 किलो चावल दूंगा, किसी ने बोला ये 200 रुपये ले लो। इस तरीके से हम गीता मंदिर जो सुभाष रोड स्टेशन के पास में है, वहाँ से फिर हमने ये लंगर सेवा की शुरुआत की। कार्टन मार्केट चौक में हमने पहला लंगर शुरू किया था। उसके बाद में कार्टन मार्केट चौक में जहाँ वहाँ के ओनर की डेथ हो गई तो हम लोग ज़ीरो माइल पर ये लंगर लाए। फिर ज़ीरो माइल से जब एक जहाँ बिल्डिंग हुआ करती थी वहाँ मेट्रो का प्रोजेक्ट आया तो मैं फिर ये घर से वो लंगर शुरू करने लगा और घर से मैं रोज़ डिस्ट्रीब्यूट करने जाता हूँ। दिन में आप कितना किलो खिचड़ी बांटते हैं? मैं 22 किलो खिचड़ी बनाता हूँ और जो बांटता हूँ 400 लोगों तक हम लोग पहुँचते हैं। तो 400 लोगों तक पहुँच के हम लोग उनकी जो भूख मिटाने की कोशिश करते हैं। जब यहाँ एग्ज़ाम होती हैं तो बहुत सारे लोग बाहर से आ जाते हैं तो थोड़ा वो परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है, तब हम लोग 100 लोगों तक ज़्यादा पहुँचते हैं। और इस तरीके से पूरे दिन में 3 बजे से लेकर तो 8 बजे के बीच में हम लोग 400 लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इट्स अ ह्यूज नंबर सर, इतने सारे लोगों तक एक दिन में पहुंचना काफ़ी एग्जॉस्टिंग होता है। और आप जब ऐसा कार्य कर रहे हैं जो लोगों की सेवा कहलाता है तो बहुत ज़रूरी होता है कि परिवार का जो एक अपनापन है वो मिले, परिवार का सपोर्ट मिले। तो आप अपने परिवार के बारे में बताइए मुझे कि कितना सपोर्ट आपको अपने परिवार से मिला आपके लंगर ऑन व्हील्स के लिए। देखिए, लंगर ऑन व्हील के लिए मुझे परिवार से उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। मेरा एक बेटा जो इंजीनियर है वो थोड़ा बहुत शुरुआत में करता रहा, बाद में फिर वो बोला कि ये सब बेकार चीज़ है। दूसरा बेटा जो वकालत कर रहा है उसका भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि लोग आजकल की जो पीढ़ी है इंस्टेंट चाहती है। बाकी मेरे दो ही बच्चे हैं और मैं सिंगल हूँ। वाइफ मुझे छोड़ के जा चुकी है, तो मैं अपने दो बच्चों के साथ में रहता हूँ, पर दो बच्चों का मुझे सपोर्ट नहीं मिलता। पर ये जो काम है, मुझे बाहर के लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। लोगों ने मुझे चावल दिया, दाल दी, नमक मिर्ची मसाला जो भी इसके लिए लगता है मुझे बहुत दिया। अब बच्चों के सपोर्ट अगर वो नहीं करते तो मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ। आप अपने अच्छे काम की वजह से ऊपर भी जा रहे हैं, आपको समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन कभी कभी वक्त अच्छा नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने ही आपके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें नहीं होती, कभी पैसे की कमी होती, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपने आप के लिए जो इनकम है, अपने आप को खुश रखने के लिए जो इनकम है, वो कहाँ से कमाते हैं? देखिए, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं सुबह 7 बजे से लेकर तो 11 बजे तक गुरुद्वारा जाता हूँ और वहाँ पर मेरे कुछ उस इलाकों में क्लाइंट है, उनको मैं अटेंड करता हूँ। कुछ बाहर से मुझे फ़ोन आते हैं, उनको भी मैं अटेंड करता हूँ। और 11 से 2 बजे के बीच में घर पर जो मेरा ऑफिस है वहाँ पर भी मैं लोगों को पर्सनली अटेंड करता हूँ। और 2 बजे के बाद में 3 बजे से हम लोग लंगर सेवा में भिड़ जाते हैं। 2 बजे से जो भी प्रिपरेशन वगैरह चालू हो जाता है, 3 बजे से 8 बजे तक मैं लंगर सेवा करता हूँ। 8 के बाद में भी मैं लोगों को अटेंड करता हूँ। कुछ लोग मुझे फ़ोन से संपर्क करते हैं और मुझे जो भी मेहनताना देने का देते हैं। मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो उससे मेरा दाल रोटी चलती है। उसमें से भी मैं 50% पैसा जो है वो लंगर सेवा के लिए निकालता हूँ। मुझे आपसे पूछना, आपने बीच में कहा कि हम लोग, तो इन हम लोगों में कौन कौन आते हैं? देखिए, हम लोगों में मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ हम, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे जो लोग दाल चावल या बाकी सब चीज़ें देते हैं लंगर के लिए, तो मैं उनको हम में जोड़ता हूँ। वो सारे लोग हैं, वो लोग, इसलिए मैं हम का प्रयोग करता हूँ। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, जैसा अकेला चना जो है वो कुछ नहीं कर सकता, वैसा मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मुझे सब लोगों के सहयोग से, जिसमें मेरा भी अपना सहयोग है, तो इस तरीके से ये जो कारवां चलता है। पैंडमिक ने जब सारी दुनिया को हिला के रख दिया था और कोई भी अपने घर से बाहर आने को भी डर रहा था, कई महीनों तक, कुछ 2 सालों तक हम अपने लोगों से फिजिकली मिल नहीं पाए। उस वक्त पर सर आपने भूखे लोगों को खाना खिलाया। ऐसा भी हुआ कि सारे ट्रांसपोर्टेशन के जो मीडियम्स हैं वो बंद हो गए, तो कई लोग पैदल चलकर जा रहे थे, कई लोग नागपुर से भी होकर गुजरे। और उसी दरमियान जब हमें ना वायरस के बारे में कुछ भी मालूम था, ना हमें ये मालूम था कि आगे दुनिया कैसी होगी, इतनी डरावनी सिचुएशन में क्या आपको कभी डर नहीं लगा कि अगर आप इन्फेक्ट हो गए तो क्या होगा? कभी आपने अपने बारे में सोचा? देखिए, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते हमारी मौत कब हो रही है एक हल्का सा अंदाज होता है। पर फिर भी एक्सीडेंटल आदमी जल्दी अपने समय के पहले मौत को प्राप्त हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो भूखे लोग हैं, जो पैदल जा रहे हैं, इनको खाना खिलाते हुए, या जिसके परिवार के सब लोगों ने छोड़ के चले गए उसको, बीमार, उसको खाना खिलाते हुए, अगर मैं मर भी गया तो मुझे शहादत की मौत मिलेगी, यानी मैं मैदान में मारा जाऊँगा। इसीलिए मैंने अपना कारवां जारी रखा। सर, आपने बहुत खूबसूरत बात कही है। बहुत कम लोग हैं जो अपनी अंतिम क्षणों के बारे में सोचते हैं, और किसी चीज़ में अगर अपना योगदान देने जाते हैं तो डरते हैं, सोचते हैं, और कई बार करते ही नहीं हैं। तो अब इतना कुछ मैंने आपसे पूछ लिया है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो फर्स्ट और सेकंड वेव था, इसके दरमियान जब आप काम कर रहे थे, तो क्या आप, कभी ऐसा हुआ कि आप इन्फेक्ट हुए बिकॉज ऑफ डूइंग योर जॉब? उस दौरान मैं मेडिकल में अपने दांतों की ट्रीटमेंट करवा रहा था, तो वहाँ पर बार चेक करने जाना पड़ता था। वहाँ टेस्ट होता था, कोविड टेस्ट होता था, मेडिकल जो सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ पर। तो मैं जब भी टेस्ट करवाने जाता था, मेरा टेस्ट नेगेटिव ही आता था। तो मैं ये समझूंगा कि ये कुदरत की मेहरबानी थी कि मुझे कुदरत ने प्रोटेक्ट किया हुआ था। यदि मैं पॉजिटिव हो जाता तो शायद कई लोगों को भूखे सोना पड़ता, इसलिए मुझे कुदरत ने प्रोटेक्ट किया। आप जो अपने दिल से ये काम कर रहे हैं what would you like to say to the youngsters of the city? आप हमारे शहर के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मेरा अपना सोचने का ढंग है कि हमारे साथ में ना हमारी माँ जाती है, ना पिता जाते हैं, ना भाई जाता है, ना दोस्त जाता है, और कुछ भी नहीं जाता। हमारे साथ में जाता है हमारा अच्छा काम। कई बार हम लोगों को देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं पर वो आदमी जेल के अंदर में पड़ा होता है, वहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाता। तो हमारे साथ हम जो अच्छा काम करते हैं वही हमारे साथ चलता है। तो मेरा सभी को ये कहना है, वर्तमान जो समय है बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस का है, पर हम अपने लिए अच्छा काम करें। हमारा किया हुआ अच्छा काम हमारे पास में लौट कर आता है। कुछ ऐसी मुसीबतें ज़िंदगी में आ जाती हैं जहाँ पे हमारे भाई बहन माँ बाप कोई पहुँच नहीं पाता, तो उस जगह हमारे को हमारा अच्छा काम ही बचाता है। तो मेरा हर व्यक्ति से यही कहना है कि वो अच्छा काम, यानी भूखों को खाना खिलाना, लंगर सेवा देती है सुख शांति, इस पर विश्वास रखते हुए किसी भूखे को खाना खिलाने की कोशिश करें। सुपरहीरोज एग्जिस्ट इन रियल लाइफ बट दे डोंट ऑलवेज वेयर अ केप और दे डोंट ऑलवेज फ्लाई। मैं आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में आप अगर कुछ भी कंट्रीब्यूट किसी की खुशहाली के लिए कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। और ऐसी ही बहुत खास स्टोरीज़ फ्रॉम नागपुर को देखने के लिए देखते रहिए मुझे, मतलब श्रुति को, ऑन डिस्कवर नागपुर @ नेशन नेक्स्ट। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.